जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके मन में ये ख्याल जरूर आते हैं कि मुझे आगे चल करके क्या बनना है। कोई बच्चा भविष्य में चल करके डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई कुछ और बनना चाहता है। इनमें से जिस स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं भविष्य में चल करके एक इंजीनियर बनूं, तो उसके अपने ही सलाह देते हैं कि तुम पॉलिटेक्निक कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, उसके बाद तुम इंजीनियर बन जाओगे, इंजीनियर कहलाओगे। तो स्टूडेंट के मन में सबसे पहले ये सवाल उठता है कि पॉलिटेक्निक क्या है, कैसे किया जाता है, व्हाट इज पॉलिटेक्निक, मुझे तो पता नहीं लेकिन ये है क्या। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलिटेक्निक क्या है, कैसे किया जाता है, इसको करने के लिए क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, यानी कौन सी योग्यता होनी चाहिए, और इसके बाद जॉब करियर कैसा है, इसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत यहां से करते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या है। पॉलिटेक्निक एक बहुत ही पॉपुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है जिसे आप 10th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट करने के बाद एक इंजीनियर कहला सकते हैं। पॉलिटेक्निक दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस टेक्निक। पॉली का मतलब होता है बहुत और टेक्निक्स का मतलब होता है तकनीकियाँ। एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर आपको बहुत सारी टेक्निक्स यानी कि बहुत सारी तकनीकियाँ, कलाएँ और बहुत सारी स्किल्स आपको प्रैक्टिकली तरीके से कराई जाती हैं, सिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं, वह इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट कहलाता है। तो ये है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और नाम कमा सकते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। इसके बाद अपनी पढ़ाई भी आगे जारी रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी क्या क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप 10th पास होने चाहिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 10th में आपके कम से कम 35% मार्क्स जरूर होने चाहिए और 10th में आपके पास मैथमेटिक्स, साइंस व इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए और उसमें आप पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं 12th के बाद। तो आप इस कोर्स को 12th पास करने के बाद भी कर सकते हैं और 12th में आपके कम से कम 35% से 45% तक मार्क्स जरूर होने चाहिए पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए। और उसके साथ ज़रूरी है कि 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जैसे सब्जेक्ट हों और उसमें आपके अच्छे नंबर हों। अब हम बात करते हैं ITI के बाद। तो आप इस कोर्स को ITI करने के बाद भी कर सकते हैं। ITI करने के बाद आप इसके द्वितीय वर्ष यानी कि पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के लिए कितना समय लगता है, ये कोर्स कितने साल में कंप्लीट होता है। तो देखिए, ये 3 ईयर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, यानी पॉलिटेक्निक करने में 3 साल का समय लगता है। यदि आप लेटरल एंट्री लेते हैं तो ये कोर्स 2 साल का हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे लिया जाता है। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए सर्वप्रथम आपको एक प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा, यानी कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। यदि आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपको काउंसलिंग कराने का भी मौका दिया जाता है। इस काउंसलिंग में क्या होता है, आपको कॉलेज दिया जाता है। प्रवेश परीक्षा में आपके जैसे मार्क्स व रैंक आती है उसी के आधार पर आपको कॉलेज दिया जाता है। यदि आपकी प्रवेश परीक्षा में अच्छे मार्क्स व कम रैंक है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज और एक अच्छा कॉलेज मिलता है। यदि आपके प्रवेश परीक्षा में कम मार्क्स हैं तो आपको एक प्राइवेट कॉलेज दे दिया जाता है। प्राइवेट कॉलेज में होता क्या है, फीस काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है सरकारी कॉलेज की अपेक्षा। अब हम बात करते हैं कि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म कब भरा जाएगा। तो देखिए, हर साल जनवरी से फरवरी के बीच में एक फॉर्म भरा जाता है, वो फॉर्म आपको भरना होगा। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और आगे की प्रक्रिया करा सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरिए और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी ब्रांचें होती हैं, यानी आप किस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। तो देखिए,
पॉलिटेक्निक में कई ब्रांचें होती हैं, यानी कई क्षेत्र होते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग और बहुत सारी ब्रांचें हैं। जिस ब्रांच यानी कि जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, आप उसके अनुसार ब्रांच चूज कर सकते हैं और आप उस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉलिटेक्निक करने में कितनी फीस लगती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं, नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज, नंबर 2 प्राइवेट कॉलेज और नंबर 3 एडेड कॉलेज यानी कि अर्ध सरकारी कॉलेज। इनमें से हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की फीस के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस है वो 10 से 15,000 रुपये पर ईयर की होती है और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें फीस 35 से 50,000 रुपये पर ईयर की होती है और जो एडेड कॉलेज होते हैं यानी कि जो अर्ध सरकारी कॉलेज होते हैं उनमें फीस 15 से 18,000 रुपये पर ईयर की पड़ती है और अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज के आधार पर ये जो फीस है ये कम या ज़्यादा हो सकती है। ये एक एवरेज फीस मैंने आपको बताई है। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक के बाद नौकरी की यानी कि जॉब की। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, नंबर 1 कैंपस सिलेक्शन, नंबर 2 गवर्नमेंट जॉब। यदि आप प्राइवेट क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं तो आप कैंपस सिलेक्शन करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, बाहर से कंपनियां पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आती हैं, स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेती हैं और उनकी पर्सनैलिटी व उनके मार्क्स के आधार पर उनका सिलेक्शन करती हैं और वेतन को निर्धारित करते हैं। नंबर 2 गवर्नमेंट जॉब, आप इस कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, जैसे हो गया SSC JEE, DRDO, ISRO, रेलवे, इन सभी क्षेत्रों में आप अपना करियर बना सकते हैं यानी कि जॉब कर सकते हैं। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है और ऐसे में हाई क्वालिटी और अच्छे मार्क्स की ज़रूरत है। आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए और आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट का यह प्रश्न होगा कि क्या हम पॉलिटेक्निक करने के बाद आगे पढ़ाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप आगे पढ़ाई जारी रख सकते हैं और इंजीनियरिंग में डिग्री कर सकते हैं, जैसे BTech और MTech जैसी जो डिग्रियाँ हैं ये आप पॉलिटेक्निक के बाद ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप BTech के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, पहला फ़ायदा ये, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप एक इंजीनियर बन जाते हैं और नंबर 2 आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। नंबर 3 फ़ायदा ये है कि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद BTech के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं यानी कि लेटरल एंट्री ले सकते हैं। ये बहुत सारे फ़ायदे हैं और एक ये फ़ायदा है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं, बहुत सी टेक्निक्स आपको पता चल जाती हैं, उन टेक्निक्स को फॉलो करके आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छी। अब हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक के बाद सैलरी पैकेज कैसा है इसके बारे में। तो देखिए, यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में 10 से 15,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और आपकी स्किल और टैलेंट के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो बढ़ भी सकती है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो देखिए, इसके लिए कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 40 से 50,000 रुपये पर मंथ मिल सकते हैं और आपकी स्किल और एक्सपीरियंस के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो बढ़ भी सकती है। ये एक एवरेज सैलरी है और अलग अलग पोस्ट के आधार पर ये कम ज़्यादा होती रहती है। इतनी चीज़ें जानने के बाद आपके मन में यह प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि क्या हम पॉलिटेक्निक करें या फिर ना करें। तो देखिए, यदि आपका इंजीनियरिंग एरिया में इंटरेस्ट है, कुछ करना चाहते हैं इस इंजीनियरिंग एरिया में, योगदान देना चाहते हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज़रूर कीजिए, अच्छा है और पॉपुलर भी है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप पॉलिटेक्निक से संबंधित किसी अन्य टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।
और यदि आप हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारी आर्टिकल के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उस आर्टिकल में पूरी जानकारी पॉलिटेक्निक से संबंधित इंक्लूड की गई है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।